फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कस्तूरबा गांधी म्यूजियम में, जो कि ढाका गांव के पास है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये फोटो है, और ये देखिए, ये पीछे ये म्यूजियम है जो फिलहाल अभी बंद है। तो जैसे ही खुलेगा इसका वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों, यहाँ की जो भी और चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं, जो आज़ादी के समय से पहले की चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी मुझे यहाँ पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, और सामने म्यूजियम का एक बोर्ड लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों, म्यूजियम की तरफ देखते हैं। दोस्तों, ये देखो म्यूजियम लिखा हुआ है, जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। बहुत पुरानी जगह है, तो ये मुझे लग रहा है कस्तूरबा गांधी जी का निवास स्थान सा लग रहा है। ये उस जमाने में वो रहते होंगे यहाँ पे। और देखते हैं आगे। दोस्तों देखो, प्राकृतिक रोग निरोग रखने और रोगों से मुक्त पाने के लिए प्राकृतिक जीवन केंद्र, ये भी है यहाँ पे। काफी पुरानी पद्धति से यहाँ ट्रीटमेंट होता है। और चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है बा की रसोई। बा मीन्स कस्तूरबा गांधी जी की रसोई है। और अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। दोस्तों, ये देखो सामने, ये मेन गेट का एंट्री है। और सामने देखो आप, साधना कुटीर, एक्सरसाइज वगैरह के लिए शिक्षा पथ, सेवा पथ, ज्ञान पथ, ये तीन तरह के बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे। और ये तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है भाई, ये आज की बनी हुई नहीं है। और इधर देखो आप, ये मैत्री कुटीर। मुझे तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत ही पुराना है। देखो यार, पेंट वेंट करके कर दिया है, ऐसा सफेदी कर दिया है, कलर ऐसा कर दिया कि जैसा लग रहा है कि बस अभी बनाई है बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग ना जाने 80-90 साल पुरानी तो लग रही है भाई। और इधर भी देखो आप, सामने ये है बापा आश्रम आवासीय प्राथमिक विद्यालय। तो उस टाइम उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे ही खोले होंगे। देखते हैं आगे। भाई मुझे तो ये बहुत अच्छी जगह लगी है, बहुत प्यारी जगह, बहुत ही ज़्यादा शांत। बिल्कुल हल्के वॉइस में बोल रहा हूँ, तब भी वॉइस क्लियर आ रही होगी। देखो दोस्तों यार, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये कस्तूरबा गांधी निवास। ये वही घर है जहाँ कस्तूरबा गांधी अपने छोटे पुत्र श्री देवदास गांधी के परिवार के साथ रहती थी। दोस्तों, तो ये म्यूजियम भी उनका घर है जहाँ पहले रहा करती थी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों आगे चलते हैं। और सामने देखिए एक बहुत ही पुराना, ये गुमन टाइम का बना हुआ है। देखते हैं पास जाके। देखिए दोस्तों कितना प्यारा गुमन है, काफ़ी पुराना है। दोस्तों ये देखिए गुमंद कितना प्यारा बना रखा है। और मैं चारों तरफ से इसका व्यू दिखाता हूँ। और ये सामने बापा आश्रम छात्रावास, ये मुझे लग रहा महात्मा गांधी जी का ही आश्रम था जो उन्होंने खोला था। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्डिंग तो ही पुराने ज़माने की है भाई, गांधी जी के ज़माने की। देखो दोस्तों, बच्चे लाइन से स्कूल में। दोस्तों देखिए, शायद ही किसी ने वीडियो डाला होगा इसका यूट्यूब पे। मुझे तो देखो कितनी प्यारी बिल्डिंग लग रही है, और ये बहुत पुरानी बनी हुई है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी है। और सामने देखिए चारों तरफ आप, तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी और महात्मा गांधी जी रहते थे, शायद रहते होंगे, कन्फर्म तो नहीं है मुझे, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है रहते होंगे। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत, बहुत ही, दिल्ली में भी कोई ऐसी जगह हैगी शायद ही आपको पता हुआ, इतनी खुली, इतनी पुरानी और इतनी शांत, भाई साहब बहुत प्यारी है। देखो दोस्तों, ये सामने घूम रहे बच्चे, एक मैडम आई है पढ़ा रही है, और कितना अच्छा लग रहा है। तो शायद उस टाइम में भी ऐसा ही कुछ रहता होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।